नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास का जो ये क्वेश्चन है ये आपकी स्क्रीन पर है, वीडियो को पॉज करें, एक बार क्वेश्चन को खुद सॉल्व करें, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि इफ़ 10³ a + a इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, ये जो भी नंबर बनता है ये क्या बनता है? एक परफेक्ट स्क्वायर बनता है। तो आपको ये बताना है कि a में मिनिमम डिजिट क्या रखे जाए, मतलब a कितने मिनिमम डिजिट का नंबर होगा कि यहाँ पर पुट करने पर ये नंबर जो है वो क्या बन जाए? एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को, अगर हम सॉल्व करें तो ये लिखा हुआ है 10³ a + a, हमने यहाँ से a कॉमन ले लिया, 10³ + 1, तो 10 का जो क्यूब होता है वो होता है आपका 1000 + 1, तो ये हो गया आपका 1001, क्लियर है। अब इसके अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ, इसके फैक्टर बनाऊँ, तो ये बनते हैं हमारे 13 + 97 91 × 11, और इसको और करूं तो 13 × 7 × 11, ठीक है, ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन होगी। और ये सारे क्या हैं? प्राइम नंबर हैं, है ना। अब प्राइम नंबर हैं तो आपने देखा कि अगर ये एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तो 13 भी दो बार होना चाहिए, 7 भी दो बार होना चाहिए, और 11 भी कितनी बार होना चाहिए? दो बार होना चाहिए, तभी जाके ये क्या बनेगा? एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। यानी कि इस ए में 13 भी है, 7 भी है और 11 भी है, यानी कि जो ये A है, ये A नंबर जो है वो किसका प्रोडक्ट है? 13 × 7 × 11 का, तभी जाके तो ये और ये मल्टीप्लाई होके क्या बनेगा? एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो A की वैल्यू जो है वो 13 × 7 × 11 है, अगर मैं इसको प्रोडक्ट कर दूं तो ये मल्टीप्लाई होके बन जाता है हमारा 1001, यानी कि A की जो वैल्यू है वो क्या है? 1001। फॉर एग्जाम्पल अगर ये नंबर कुछ इस तरह से बनता तो ए की वैल्यू सिर्फ क्या हो सकती थी? 13 हो सकती थी, तब मैं आंसर कहता कि दो डिजिट का नंबर बन रहा है। कितने डिजिट का नंबर है वो? ए दो डिजिट का नंबर है, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ पे क्या है? 13 × 7 × 11 है, यानी कि ए में 13 भी होना चाहिए, 7 भी होना चाहिए, और क्या भी होना चाहिए? 11 भी होना चाहिए, तब जाके ये कंप्लीट नंबर क्या बनेगा? एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। यानी कि ए की वैल्यू 13 × 7 × 11 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1001 आ जाएगा। और इसमें जो डिजिट है, वैसे तो होने को तो पता नहीं कितना बड़ा नंबर हो सकता है, चाहिए तीन बार और तीन बार ये आ जाए, तीन बार ये आ जाए, तीन बार ये आ जाए, तब मल्टीप्लाई होके भी कितने बार आ जाएंगे? 4 बार। बड़े से बड़ा नंबर तो कितना मर्जी बन सकता है, लेकिन मिनिमम नंबर जो बनेगा वो आपका ये बनेगा। और इसमें कितने डिजिट है? 4। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कितना है? 4। और आज की क्लास में इतना ही, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।